समय सेठ ही आ रहे थे दरवाजे की तरफ, हाथ फिरा के देखो पर रास्ता नहीं, तो तक नेको जी तो और भाव जो नेक और प्रकाश मारो दरवाजे पे, सो सीना पर नजर कर क्या सीना के जब शब्द पढ़े और मुश्किल है गयो जीनाए, लाला जी अब कांप गए गुरुदेव और चली गयो बदन पसीनाए, मेरे गुरु बताए गए सांच, अरे लोटा फूट पड़ा द्वारे पे, अरे लाला की खुली गई कांचा है, शब्द पढ़े इसे मैंने मारा है, जो जाए देख के काउत के हो क्या देख के रोवे हो, ऐसी मारो जावे लोटा छूट को दरवाजे पल लगते तो बांध क्या है कांच की धोती हो जाल में डडिया रहे, अब इतते भाजत जा रहे तब अरे लोटा करती छूट पर पीछे तू भज के जाता है, कछु तो बता, अरे भाज कैसे रो है ए भैया पसीना का जा रो, अरे करे ये सारो पारे पे नहीं मोती भेद बताता है, तुम्हारा सिंह बताई रही दे पप्पू खानो पाता हुआ है, चारों तरफ से सब इकट्ठे हुए भैया पतो ही नहीं चलो, दरवाजो बंद है दरवाजो बंद है, अब जो आवे सोई लौट के चुपचाप चल दे, काय कोई काउत कुछ न कोई काउ बतावे, राजा ते शिकायत पहुंची महाराज सब नगर परेशान है सब नगर बंद है भीतर, अब जब महाराज आए और महाराज ने वो अक्षर पढ़े जय देख के काउत के हो देख के रोबे हो ऐसी मारो जावे हो, अब कहे राजू काउत कुछ
श्रोता बंधुओं, जब राजा ने और कंक मुनि को बुलाया, युधिष्ठिर महाराज का नाम था कंक, महाराज तुम मेरे मंत्री बने हो, तुम मेरे महामंत्री हो, सलाहगी रहो, तो अब जी बताओ जा नगर की परेशानी कैसे मिटाई, पूरा नगर बेचे ने। तो कंक मुनि बता रहे राजन, अगर हमारी बात मानो तो कोई 10-5 वीर लगाए दो, सजाया में दबाए दो, कोई मुर्दा फंस गए महाराज, कोई छत्री जावे तैयार ना है, हाथ लगाए तो दूर चिताबे तैयार ना है कोई। तो फिर महाराज मेरी बात मानो है, मैं बताऊं बताओ, तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया क्या, अरे तापा तू रसोई प्यारे बंधु। अरे तू तू गायो आजू महलों में, सोई रहो Thank you.
चादर खींची है। ध्यान रखना, जाने सभी रात लड़ाई लड़ी हो और चैन से सुख की नींद में सो रहा था, जात तूत की तरफ आकर ठाक देगी कान। महाराज तुम्हें राजा बुला रहे हैं, सब नगर फतियते में पूरा नगर परेशान है, चारों तरफ महाराज बंदे ना कोई पेशाब गुल करे ना कोई टट्टी गुल करे, नगर बंदा बिल्कुल महाराज है। भीमसेन उठ के चले हैं, राजा और कंक दोनों बराबर खड़े थे, इतनी चतुराई रखी एक बरस तक क्या चारों भैयाओं ने शीस नवाया तो अपने भाई को ही नवाया, लेकिन राजा जी समझता है कि मुझे नवावत नहीं है। और कंक मुनि बराबर में खड़े थे तो भीम ने जाकर के प्रणाम किया, कहिए महाराज आदेश करिए कैसे बुलाया है। अरे बल्लभ तुम्हें पता नहीं है भैया नगर में पतोई ना का बीमारी लगी है जी, दरवाजों कैसे रुक रो है, अब जा में ला सको चेहरा ना दिखा तुका चेहरा कौन है, और न जी पता चला कि जी मरा कौन है। भीम ने कि महाराज एक बात बताऊं, वैसे आप जानो सो करियो पर हमारी एक नींद नियम है एक हमारे वंश का, कौन सो तो आज भीमसेन बता रहे देख ध्यान सुनो राजा न काऊ आशीष नवा बताए तो नहीं समझो, देख ध्यान सुनो राजा न काऊ आशीष नवा बताए मुरदा कोई होई मही पे नहीं अपनो हाथ लगा बताए भूपत सत्य रहो समझ आए साकरी एक भूप मंगवाओ अरे जके पैर में देव बनवाए तो कोई मुर्दा अगर कहीं रास्ता में मिल जाए तो महाराज काऊ तो मुर्दा थे हाथ ना लगा दे, अगर जो कोई मुर्दा है तो महाराज एक साखर मंगवा दो और जब मुर्दा के पैर में फंसा दो और महाराज एक छोर मेरे पैर में फंसा दो तो अगर चाहे भगवान की कृपा रही तो तुम्हारा दरवाजा साफ हो जाए। तो आज महाराज ने और साखर मंगवाई है तो कीचक का जहां पैर लटक रहा था नीचे सोता बंधुओं मरी भाई लाश ही सुनने को और भूल गई और जाकर साकर पैर में बांधी और इधर भीमसेन अपने पैर में बांध रहा था और तब भैया मां नजर करी है, क्योंकि जब नगर में आए थे तो युधिष्ठिर ने यह कहा था कि बिना मेरे कहे कोई कर्म कर तो आज जब भैया धर्मराज की तरफ देखा है और तब अरे तब कर दो धर्म धारा निकारो अरे बेरिया कुआ धारा निकारो
लाल की। और देखो